टेस्ट नहीं छोड़ो, इस पर इसका चैलेंज करेंगे, जल्दी बोल। हॉट स्पाइस चैलेंज, चलो भैया इधर आओ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे हो गए। तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है भैया 10:40। हमारी अद्विका यहाँ पे नहा के तैयार हो गई है, उसको पाउडर देखो कितना खतरनाक लगा हुआ है, एकदम सफेद सफेद हो रखा है उसका पूरा का पूरा फेस। क्या ऐसे लुक क्या दे रहा है? एक तो अद्विका बन गई, ऊपर से पाउडर इतना सारा लगा लिया, ऊपर से पिंक टी शर्ट पहन ली, अब तो पक्की अद्विका बन गई है। विदित भी विदिता बन जाएगी। विदित देखो अद्विका बना देगा, पर वो विदिता नहीं बनेगा। एक ये बच्चे को देखो भैया, सुबह से उठ जाता है, आराम से खुद से नहा लेता है, खुद से आराम से दूध बिस्किट खा लेता है और खुद से रेडी भी हो जाता है, और चुपचाप पूरे घर में पता भी नहीं चलता कि चीकू नाम का भी कोई बच्चा है घर में। देवर जी कैसे हो? अच्छा। नाश्ता पानी हो गया? इडली सांभर खाओगे? अगर हम मजाक भी करें ना तो कोई जवाब नहीं देता है, और मतलब सीढ़ी भी नहीं करता, गुस्सा भी नहीं आता उसको। और इसी की जगह कभी हमारे अद्विक से मजाक कर दो तो बस टोटे टोटे कर दूंगा, और विदित इल्ले इल्ले करेगा, मैं भी उसका टोटे टोटे कर दूंगा पूरे। अच्छा, पढ़ाई लिखाई नहीं याद रहती है ना, टोटे टोटे याद रहता है। और फोन को हाथ लगाना मत, ठीक है? आज संडे है, मस्ती करना है, फोन को हाथ लगाना मत वरना। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे दादा माला जप रहे हैं, वो भी नहा के भैया तैयार हो गए हैं। अब कुर्ता नहीं पहनते क्योंकि गर्मी इतनी सॉलिड हो रही है, इसलिए सिर्फ बनियान और नीचे पजामा। फिलहाल यहाँ पे हमारे विदित को उसकी दादी नहाना करा रही है। तो काम क्या है? ओम नमः शिवाय करो, ओम नमः शिवाय। हाथ जोड़ो, ठीक है। तो फिलहाल आज हमारे घर बन रहा है इडली और सांभर। इसमें इडली बन रही है, इसमें सांभर बन रहा है। इसके अंदर तो इडली अभी रखी नहीं बनने के लिए, क्योंकि बेटर को बना करके रखा है अभी, अब बस अब बनाएंगे इडली। और इसके अंदर तो सांभर है, जैसे बुखार लगाना बाकी है। यहाँ पर हमारे भगवान जी की पूजा हो गई भैया। छोटा बाबू आ गई, छोटा बाबू आ गई ना उन्होंने करके। किसने तोड़ दिया है? दादी माँ ने नहाना करे ना, जाओ तैयार हो जाओ, ठंड कब जाएगी? पंखा चालू करो रे, जाओ तो पंखा चालू करो, करो एकदम फुल स्पीड से पंखा चालू करो, उसको ठंड लगेगी। कर जल्दी पंखा चालू कर दे, कर दे, ठंड लगेगी इसको, फिर मजा आएगा। बोल दादी माँ आइसक्रीम खिलाएगी फिर? मम्मी आइसक्रीम खिलाओगे? हाँ तो पहले बोल अच्छी दादी माँ, अच्छी दादी माँ, ऐसा बच्चा है जिससे बात करना तो बेकार ही है, जवाब कुछ नहीं देना उसने, प्यार से और सिर्फ चिल्लाते रहना है। Hey guys, good morning, welcome back to our new vlog। तो फिलहाल अभी 12 बजने में 5 मिनट की देर थी, इसलिए गुड मॉर्निंग बोल दिए। आज है संडे इसलिए इतनी लेट ब्लॉग शुरू करो वो भी हमें इधर है ना। आज हमारे घर में स्पेशल चीज बनी है, और स्पेशल चीज कब बोलता हूँ मैं, जब मेरी स्पेशल चीज बनती है दिखाऊंगा नहीं सीधा खाऊंगा। गुड मॉर्निंग, क्या हो? बिल्ली बहुत प्यार करता है इसको, कोको नाला कोई पकड़ लेता है बस छोड़ता ही नहीं है। ले बहुत नाखून मारती थी, अब नाखून नहीं मारती विदित को। खाएगा ना वो, चार खाएगा तो 10 रुपए इसको मिलेंगे। चलो आज कौन ज्यादा खाएगा, जो ज्यादा खाएगा ना उसको 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 उसकी फेवरेट चीज मिलेगी। बोलो जो बोलेगा वो फेवरेट चीज मिल जाएगी उसको आज। इसने कितनी खाई? हारने वाला है वो। कितनी खाई चीकू? दो। तीसरी चल रही है तेरी, कितनी भी अधिक? ये दूसरी चल रही है, अधिक पीछे चल रहा है भैया। इन दोनों में से जो हार जाएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, जो जीत जाएगा उसको जो बोलेगा वो मिलेगा 10 रुपए। जो भी खाने में, जो भी मिलने चाहिए खाने में क्या? क्रिसमस कैंडी जो बोलेगा वो, जो जीतेगा उसको। चीकू तेरे को क्या चाहिए? चड्डी बनियान फिर क्या चाहिए? जल हाँ सॉरी खाने की बात, क्या खाएगा? जल्दी बोल, बता दे तेरा फेवरेट, बता दे बोल। सोचने तो दो उसको। हलवा।
हलवा हलवा खिला देना भाई गाजर का। भाभी मेरे को हलवा खाना है, गाजर का हलवा खाना है। हमारा ये पहलवान तो रोते ही रहता है। बेटा आपको दे दिए, आप पकड़ने का काम आपका है, इसको सुला दो। सही में अजीज सुला दे, मेरे को बहुत तल रहा है। सोने भी नहीं देता, उठने भी नहीं देता, बैठने भी नहीं देता। यहाँ बैठ वहाँ बैठ, ये कर वो कर, सब पूरा उसी का चलता है। उसके बगैर घर में किसी का कोई कुछ नहीं कर सकता। बिग बॉस है, नहीं मिनी बॉस है हमारे घर का वो। रिजा उठा के ले, जल्दी जल्दी जा सोफे के नीचे, पलंग के नीचे, जल्दी भाग। दो भाग गई। रोना बदमाश, और रात में सोता भी नहीं। और रात भर भी ये मेरे ये हड्डियां दुख रही है दोनों, रात भर भी मेरे हाथ पे सोया। अभी भी देख कितना परेशान है। ये तो फिलहाल यहाँ पे बन रही है इडलियाँ, इधर भी बन रही इडली। यहाँ पे अदिति डाल रही है, उधर नहीं बन रही, इधर ये रखा है। अब अदिति यहाँ पे डाल रही है तो इसके अंदर से बन जाएगा। अले मोबाइल मिल गया लोगों का। अब हमारे ये छोटे से गधे को सुलाएंगे भैया। 12 बज रही 12 बजे सुलाएंगे इसको, क्योंकि ना इनको पूरा पागल करके पूरा तल के रख दिया इसने। एक इस प्रकार खा रहे हैं यहाँ पे इडली सांभर। ये क्या कर रहा तूने, है पागल है क्या? इतली इडली खाता हूँ मैं क्या, है इतली इडली खाता हूँ, सॉरी इतनी इडली खाता हूँ। फालतू बातें कर रही है, क्या है ये खा रहा हूँ डायरेक्ट उससे खाओगे। चलो भैया आज तो इडली सांभर बनाए, पूरा साफ करेंगे। नहीं भैया इतना भी साफ़ नहीं होने वाला, ज़्यादा ज़्यादा 8-10 खाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं। एक बार खाई थी 14-15 खाई थी, मम्मी ने भी मेरे से एक ज़्यादा खाई थी, मम्मी जीत गई थी भैया, इसलिए पार्टी सबको दी थी। मैं चैलेंज किया था ना, इधर तो ज्वालामुखी फूट रहा है मुँह के अंदर, इसलिए पहले ये खाते हैं और इसे ये काम नहीं करते भैया। तब जन घर में खाएंगे, इसमें निकाल के खाएंगे अपन। फ़ोन लगा जल्दी मम्मी को, कब से बोल रही है दादी। ओ दादी कहाँ जा लिए कोठी के अंदर, अरे उसको निकाल, इसको निकाल। हे गाइस, तो फिलहाल अभी हमारे नीचे का पूरा काम हो गया भैया, सबने इडली सांभर खा लिया, विदित को भी सुला दिया, और मम्मी देखो यहाँ पे पूरी सफाई करने के लिए लगी पड़ी है भैया। अरे कोठी में पकाना सूरज के बर्तन रख दिया, इतना सारा सामान हमारे ऊपर स्टोर रूम में भी है, बस अब ढक्कन लगा दो। चिंकी चिंकी को देख कर टेक के आ जाएगा, मेरे भाई को जा कर दिया। तेरे भाई को बिठा दिया था हमारी गाड़ी में, आया हमको नहीं पता। क्या यार चिकू, कोठी के अंदर खेलने गया तू भी, और इधर देखो मोबाइल चल रहा है, फड़फड़ाने लग गया मेरा हाथ। सुबह से बोल दिया था कि मोबाइल हाथ मत लगाना, और अभी भी नहीं समझ आ रही है। ए पप्पू कहाँ जा रही है? अच्छा चप्पल लेने जा रहा है, चप्पल लेने जा रहा है वो भी। ठीक है, तो फिलहाल अभी सब जन तैयार हो रहे, अदिति में अदवी चिराग विदित सब के सब तैयार होते हुए फिर जाते हैं। जरा हमारे यहाँ पे एक बिग बस स्मार्ट बाजार, क्या पता क्या ही खुला है, वहाँ जाएंगे। और सबसे मेन बात, हमको लाना है रंजने, जो पानी भरते ना, जो गर्मियों में बाहर धूप में जो रहती है पानी रख के, जो कोई भी आता रास्ते से पी लेता है, जिसको प्यास लगेगी तो वो लेके आनी भैया। दो बाहर के लिए लेके आनी है, एक घर के लिए लेके आनी है। एक इस तो फिलहाल एक चीज़ दिखाता आप सभी को मैं, ये देखो भैया ब्यूटी क्वीन की लिप्स, ये लिप्स है ना मेरी ब्यूटी क्वीन के, छोटी से नंदी मुन्नी के ब्यूटी क्वीन की। उसको मैंने ना लिपस्टिक लगाई थी, मतलब पूछी यहाँ पे दे दे पिंसी तू, इसने यहाँ पूछी दे दी थी, अभी आई थी ना चल। एक इस तो फिलहाल इनको कहीं पर भी लेके जाना होगी नहीं तो पागल ही होना पड़ता है। देखो कैसे लड़ाई कर रहे दोनों की दोनों। फिलहाल ये अधिक के शूज़ पहन लेगा, चिराग अधिक के वो वाले लाइट वाले पहन लेगा। आले विदित तैयार हो रहा है, छोड़ देना अदिति तुम्हें, जा विदित जा, जाओ जाओ जाओ। अरे पहले मम्मी को तो तैयार हो जान दो, बोला था तेरे को विदित को पहले तैयार मत करा करे। देख अब यार मेरे बाहुबली, चलो 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 शॉपिंग करने चलेंगे, पापा सबको शॉपिंग कर लाएंगे। मॉल जा रहे हैं अपन, मॉल हाँ, उसमें विदित को ट्रॉली में बिठा के शॉपिंग कर लेंगे अपन। ठीक है गाइस, तो फिलहाल अभी सारे बच्चे मैं और इसके पापा तैयार हो गए हैं भैया, अभी जा रहे हैं हम लोग। हमारे यहाँ नया बाज़ार खुला है स्मार्ट बाज़ार, एक बार वहाँ पे विजिट करके आते हैं, थोड़ा वो सामान लेना था वो भी ले लेंगे, और बच्चों का घूमना भी हो जाएगा। मम्मी,
वो कोल वाला लेना मेरा खान वाला मिलेगा तो लेंगे ठीक है उसके हाँ ठीक है उसके अलावा आप कुछ भी जिद्दी नहीं करोगे ठीक है तो लूंगा यहाँ पर कुछ भी जिद्दी नहीं करोगे है ना सिर्फ एक चीज मिलेगी वो भी तीनों के लिए एक ठीक है। तो फिलहाल अब भी सबसे पहले हम जा रहे हैं मॉल और फिर वहाँ से जो पानी की जो रांझन लेनी थी ना वो भी लेना है क्योंकि हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और ये जो मेन रोड है तो यहाँ पे मेन रोड पे ना बहुत से लोग निकलते हैं और पानी नहीं मिलता है तो बहुत से लोग ने मेरे आँखों के सामने देखा चलती गाड़ी पे से जो बहुत से लोग गिर भी जाते हैं एकदम से गर्मी की वजह से कुछ ना कुछ हो जाता भी है उनको आँखों के सामने अंधेरे आ जाते हैं इसलिए पानी रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भैया बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और तो एकदम से तबीयत खराब हो जाती है इसलिए पानी रखना है और एकदम से अच्छे से रखेंगे और रोज अच्छा नया फ्रेश वाटर भरेंगे दो दो के ये देखो आज ना नदी नहीं दिख रही मेरे को इतनी अच्छे से मैं सोच रहा हूँ हर बात तो मेरे को नदी दिखती है यहाँ से मंदिरों में एकदम क्लियर दिखता है आज क्यों दिख रहा पर आज मैं शिफ्ट लेके आया हूँ ना नीचे बैठा हूँ इसलिए मैं कुछ दिख नहीं रहता हमेशा मैं वीडियो बनाता हूँ सब कुछ दिखता मेरे को यहाँ से आज नहीं दिख रहा है रास्ते पे लाए थे आदि को कभी भी गाड़ी में बिठाया ऐसा नहीं नहीं ऐसा करता जैसा चलो बाजार में से क्या लेना बस ऐसा इसलिए क्योंकि उसको बैठे बैठे नींद आने लग जाती है और वो सो नहीं सकता सोने नहीं देते ये देखो देख ऐसा बैठा है चलो अभी तो सबसे पहले यहाँ से क्या रांझन ले ले कि क्या ले ले यार मेरे को देख कंफ्यूजन ये आ रहा है ले तो लूंगा मैं रांझन दो तीन लेना है रखे गाड़ी में रखाएगी कैसे फिर रख भी दूंगा तो बच्चे बैठेंगे कैसे चलो देखे तो सही गाड़ी में आएगी तो ठीक है नहीं तो फिर ऑटो से कल भिजवा देंगे पर अपनी दुकान पे सीधा नहीं बैठ सकता तू सीधा नहीं बैठ सकता पर क्या माल पर मैं मार दूंगी उठ ट्रैक्टर 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 बहुत बड़ा है अभी तो बन नहीं रहा यार आदिति ये ना पूरे तरीके से बनानी है फिर भी ना देखो यहाँ पे ओपनिंग कर दी पूरा सीमेंट ही सीमेंट है पार्किंग में देखो अंदर गाड़ी में बैठूंगा पूरी गाड़ी गंदी हो जाएगी सीमेंट की वजह से जेसीबी दिख गई है उसको तो ठीक है तो फिलहाल ये रहा हमारे यहाँ का स्मार्ट बाजार चलो घुसो और शॉपिंग करो लून दिख गया उसको तो अरे यार खतरा तो नहीं अपने लिए विदित यार चल चल क्या बोल रहे टू यू करेंगे चल चल क्या चाहिए ठीक है तो फिलहाल हम आए थे सर स्पेशल मम्मी ने पूछा सर पर लेने के लिए मैंने अपने पसंद का चॉकलेट सिरप लिया और लोगों ने यहाँ पे ट्रॉलियन भर लिया दी थी और छोड़ के भाग गए ट्रॉली भर लिया छोड़ के निकल लिए यहाँ से और क्या लेना है भैया कुछ नहीं लेते चलो यहाँ पे बहुत सारे हॉट स्पाइसी है ये हॉट एंड स्पाइसी है टेस्ट नहीं छोड़ इस पर इसका चैलेंज करेंगे जल्दी बोल हॉट स्पाइसी चैलेंज चलो भैया एक तरफ लेते ये देखो भैया हमारे विदित को यहाँ बिलिंग कराने के लिए खड़े हो गए हैं चिप्स का पैकेट उसने लास्ट तक नहीं छोड़ा आखिर में उसे जबरदस्ती छीन के यहाँ पर स्कैन करवाया यही काउंटर पे खोल के दिया और अब वो चिप्स खा रहा है यहाँ पे और इन दोनों की तो बातें ही नहीं खत्म हो गई भैया मॉल में आके एकदम पागल से हो गए सोच रहे पता नहीं कहाँ पर क्या क्या हमारे फायदे का मिल जाएगा पर मिलेगा उनको कुछ नहीं हो गई मैं सब उसको पकड़े हो भैया बोलते चिप्स मैडम आप खा रहे हो बिल तो दिखाया नहीं मैंने कहा भैया बच्चे के आने का कुछ नहीं कर सकती मैं अब यहाँ पे नहीं आऊँगा भैया भीड़ इतनी यहाँ पे कैश काउंटर पे इतनी भीड़ पागल कर दिया छोटे से सामान में मेरा लाइन में नंबर भी आ गया उसके बाद में हुआ पेमेंट ही नहीं दे रहा रिटर्न कैश ही नहीं है उनके पास एक्सचेंज नहीं है उनके पास पागल कर दिया भैया खड़े खड़े इससे अच्छा तो अरे तेज क्या कितनी दूर से अपन सारा सामान लेके निकल लेते घर आधा घंटा 45 मिनट खड़े खड़े हो गए अदिति पागल हो गए कैश काउंटर पे 45 मिनट हो गए भैया चलो अब चलते अधिक 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 उधर सीढ़ियों से चलो दीदी इतने अलग पागल करा अभी हमको बिल मतलब बच्चा खा रहा है उसका कोई बिल नहीं रखता भैया बच्चा चाहे मर्जी वहाँ खोल के खा सकता है कोई भी सामान हम मैं सिर्फ खरगोन वालों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ यहाँ पे भीड़ भयंकर है अभी मत आना भैया यदि आपको सामान कुछ भी खरीदना कुछ भी करना हो अभी आना मत भयंकर हो सो तो बहुत ज़्यादा भीड़
खड़े खड़े में थक गया भैया। दिन भर फालतू हो तो आना, यदि आप सोच रहे हो कि चलो फटाफट जाएंगे, फटाफट सामान लेके आ जाएंगे, आना ही मत यहाँ पे। और यदि फिर भी आपको आना है तो 3 घंटे लेके आना भैया, 1 घंटा सामान लेने का, 2 घंटा बिल करवाने का। एक प्रॉब्लम तो अंदर थी भैया, इधर दूसरी प्रॉब्लम दिखाता हूँ भैया मैं। इधर ही गाड़ियाँ खड़ी है, दूसरी प्रॉब्लम ये सामने आ गई। देखो अब यहाँ से गाड़ी कैसे निकलेगी, ट्रक गाड़ियाँ खड़ी, अब गाड़ी नहीं निकलेगी। क्या पागल काम है भैया, यहाँ तो आने ही नहीं, आने ही बेकार है। यहाँ पे अच्छे रिव्यू मिलना चाहिए थे तो रिव्यू बेकार मिल रहे हैं इनको। यहाँ पे मैंने यहाँ से गाड़ी हटानी थी, वहाँ पे काम में लग गया। खड़े रहो भैया तुम, तुम्हारे फालतू, हम हमारा काम कर रहे हैं। इधर कर्मा जी गए हैं गाड़ी हटवाने के लिए, यहाँ खड़ी हुई सामने, और इधर ये अलग रो रहा है। मेरे पापा कहाँ गए, पापा पास चलो, यहाँ से बाहर निकलो और पापा पास चलो। आ रहे ना बेटा पापा। आ रहे हैं पापा। चिप्स का पैकेट गिर जाएगा। क्या लाना बच्चों को कहीं बाहर? अरे बेटा पापा पागल करके रखा है। चले चले आ गए ना पापा, आ गए आ गए। क्या मिल गया रो के पहले बता। पापा मिल गए, और क्या मिला। बहुत पागल करने लगाया, इसलिए कबीर लेके जाता उसको मैं। चलो भाई यहाँ से रांझन वगैरह लेते हैं। पहले तो ना बड़ी लेंगे, 2 बड़ी, तो इसके बाद में 1 छोटी सी लेंगे। ये साइज अच्छा है दीदी, 2 बार भर देंगे, एक बार सुबह के टाइम शाम को भर देंगे। वो भरते वो वाली बहुत ज़्यादा बड़ी, ये धुल जाएगी। ये देखो ये भी है ना, पानी ले जा सकते थे, ये धुलेगी नहीं, धोने बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। अपन ये ले लेते हैं, उसके बाद में एक घर के पीने के लिए ले लेंगे। रख देंगे, ये फोड़ देगा, देखेंगे फोड़ेगा जब देखेंगे। टीवी पे तो मारता है वो। पापा चाहिए पर पापा के सुनना नहीं है मैंने। पागल करके रखा मेरे बच्चों ने भी हमें को। अब कभी नहीं आऊंगा मॉल में, पर एक चीज तो देखी वहाँ पे भीड़ भयंकर है। अभी नया नया खुला है, बाद में हाँ 1 साल बाद आएंगे। अभी एक डीमार्ट भी आने वाला है यहाँ पे, उसमें भीड़ भयंकर ही रहेगी। देखना कितने का ये, 350 का। बड़ा वाला, बड़ा वाला 600 का। सही लगाओ ना, 2 लूंगा ये। कौन सा? ये 2 ले लूंगा। ये भी सुबह कम दे दो। हाँ वो धोने में नहीं आती, नहीं तो नहीं तो आ जाएगी। मम्मी भी लेके गई है मेरी, वो वाली दे दो। ये 2 निकाल, 600 रुपये लगा लूंगी। 2 रहेंगे, 600 लो ये 2, ये निकाल दो। पानी पूरी, गरम मसाला, डालो पूरी पूरी पापा। ठीक है, तो फिलहाल अभी 9 बजे, अब भी खाना खाने के लिए बैठ रहे भैया। आज जो भैया स्पेशल में क्या है, ये आम का रस, प्याज की सब्जी और रोटी। इतने छोटे शूज पहन लिए बेटा आपने, किसके हैं ये? ये शूज किसके हैं? ये शूज किसके, किसके शूज है बेटा ये? आपके? बोल तो रहा है विदित के, विदित के। किसके बोले? मेरे पापा के। पापा के बेटा मेरे हैं। जाओ रख के आओ, जाओ जल्दी जाओ, भागो, चलो भागो यहाँ से, जूते पहन के निकलो यहाँ से। आप जूते पहन के आना मत किचन में, मंदिर है यहाँ पे, ठीक है? बाय जानू, लव यू मेरी बेटी। देख 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 ये देख देख देख, क्या लगता है उसके भाई की जो वॉकर है ग्रीन वाली, पेन के आएगा वहाँ से और यहाँ पे अगर ऐसा पैर उछलता तो वहाँ मेरे गेस के पास फेंकाता है। देख 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 देख, लव जाए विदित। ठीक है, तो फिलहाल जैसे अब हम मॉल में गए थे ना, तो बिल तो लोग बहुत से कम, बहुत कम लोग देखते होंगे, पर मेरे पास बिल था तो मैं बिल देख रहा हूँ। कीमत कितनी लिखा दी थी? 170 रुपये। 170 रुपये लिखी। ऑनलाइन कितने की आ रही? 160 की आ रही। डब्बा बता पहले, कन्फर्म डब्बा बता। 400 ग्राम का पैकेट है ना? 250 ग्राम। 250 ग्राम का पैकेट है ये, ठीक है? ये देखो 250 ग्राम का पैकेट, कीमत देखो 170 रुपये। इधर देखो, ये कहाँ से बुलाया था? स्मार्ट बाज़ार से लेके आया हम। यहाँ देखो ये रे ताज, आज ही लेके आया आपके सामने। क्या कीमत लिखी है ये देखो, आप बोलोगे कीमत 185 रुपये। इसकी अग्नि की टी है,
कितने रुपए ज्यादा ले लिया अदिति जोर तो? 53 रुपए 53 रुपए ज्यादा लिए। और ये पता है वहाँ पे ऑफर में क्या लिखा था कीमत इसके ऊपर? 45 रुपए की थी ये डब्बा रखा था, उसमें 45 रुपए नाम लिखे 45 रुपए लिखा था, 45 रुपए की है, 45 रुपए की है। तो मतलब इनने अब कीमत और बढ़ा दी, डबल की ट्रिपल कर दी। हाँ, मैं जाऊँ कल। ऐसे तो सब अपन सोचते ऑफर 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 में अपन देखते ही नहीं, हाउस ऑफ ऑफर में ही है, पर हमेशा पूरा वहीं चेक करा करो कितने किसके लगा है। दुकानदार से पूछते अपन, उनसे थोड़ी ना पूछते हैं, ऐसे ही तो कमाते, तभी तो ऑफर में चीजें देते अपन को। ये अपन ने बिल देखा, बिल देखा तो मैं दिख गई, ये देखो सारी चीजों का बिल देखो तो सब पता चलेगा। पैसा ज्यादा ले रहे हैं, बिल पैसा ज्यादा ले रहा और ऑफर देख के पैसा अपन कम में ला रहे हैं। 45 में पड़े थे मैंने, 45 की थी और मेन वहाँ 45 की थी, मैंने ला चलो गलत हो गया, वो 108 रुपए की पूरी दे देगा, वो जितने की उतने की देगा। इधर देखा तो और 253 रुपए 23 रुपए 253 रुपए ऊपर। हाँ तो जोड़ना पूरा सामान कितने का है, पूरा टोटल लगा है। कल ये बिल पूरा संभाल के रखूंगा, कल जाऊंगा मैं स्पेशल जाऊंगा और उसे पूरे पैसे लेके आऊंगा, पूरे पैसे लेके आऊंगा, 53 भी दे। हाँ लुटने का काम लगा के रखा है। और इसके लिए वो जो लिया था ना चॉकलेट सिरप, वहाँ पे कीमत 90 रुपए लिखी थी और तू बोले कि पढ़ लो, मतलब हाँ 90 रुपए ये लिखी है तो ये रहा, और वहाँ पढ़ा भी हाँ ये इतने ग्राम का इतने 90 रुपए, 95 रुपए उठाया तो 200-250 रुपए का बोल रहा था वो, बोला कितने कीमत है, बोला 250, बोले हटा दो भैया इसको, ऐसा लुटने काम करते हैं, बताते कुछ है देते कुछ है और बिल में कुछ और जोड़ते हर, और भीड़ इतनी रहती है तो कोई भी इंसान है ना वहाँ पे दिखता तो है नहीं कि कितने की क्या दे रहे हैं, वहाँ टोटल थोड़ी ना लगाने बैठता है इंसान, बिल लिया फटाक से पटका सामान पटका चलो घर, पैसे देते हुए तो सामने लोगों को ज्यादा लगते हैं ना, वो इंसान क्या जोड़े, सब सामान ज्यादा लेते तो हैं। कल चलेंगे उसके पास में, कल जाऊंगा मैं स्पेशल चलने, ट्रॉली भर भर के ले, ये इसको संभाल के रखना, ये नहीं ये पूरा ये सब स्लीप को संभाल के रखो, कल चलना है। कभी भी चेक करा करो, कभी भी चेक करा करो।